दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आपका WhatsApp इंस्टॉल नहीं हो रहा है, ठीक है, WhatsApp इंस्टॉल कर रहे हैं और वो इंस्टॉल नहीं हो रहा है, तो दोस्तों इस वीडियो में पक्का 110% आपको यहाँ पे बिल्कुल लाइव प्रूफ आपको दिखाऊंगा कि आप WhatsApp को किस तरीके से इंस्टॉल कर रहे हैं और वो इंस्टॉल नहीं हो रहा है, तो किस तरीके से वो इंस्टॉल हो जाएगा इजीली तरीके से। मैं आपको यहाँ पे जो ट्रिक देने वाला हूँ, जो यहाँ पे आपको जो नियम बताऊंगा वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, और वो फॉलो करोगे 100% आपका WhatsApp जो आपको डाउनलोड या कहीं इंस्टॉल नहीं हो रहा है वो इंस्टॉल हो जाएगा बिल्कुल आसान तरीके से, इजीली तरीके से। बस दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। मैं हूं इस चैनल का होस्ट आपका अपना दोस्त बिमलेश कुमार। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं इस चैनल पर इस तरह की वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन में चला जाना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, बताते हैं आपको दोस्तों यहां पे आपको क्या क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आपके फ़ोन में जितने भी फालतू के एप्लीकेशन हों उन्हें आपको अनइंस्टॉल कर देना होगा, ठीक है। दोस्तों इस तरीके से अनइंस्टॉल करोगे, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया यूट्यूब पे और यहाँ पे दोस्तों यहाँ रिमूव लिखा है, आपका रिमूव नहीं होगा ना अनइंस्टॉल होगा, ठीक है। अनइंस्टॉल होगा, अनइंस्टॉल पर क्लिक करोगे अनइंस्टॉल कर देना होगा, ठीक है, जो भी फालतू के ऐप हैं। उसके बाद दोस्तों क्या करना है आपको, आपको जाना है फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में इस तरीके से जाओगे, यहाँ पे आपको मिलेगा फोन स्टोरेज, फोन स्टोरेज पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जितने फालतू के फोल्डर बन जाते हैं, जितने फालतू के, जैसा कि दोस्तों आपका एंड्रॉयड है, बुक, जितने फालतू के फोल्डर हैं और जितने फालतू की PDF फोटो वगैरह जो भी हैं, वीडियोस हैं, उन्हें आपको यहाँ से डिलीट कर देना होगा, ठीक है। डिलीट करने के बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब आपके फ़ोन में एक सेटिंग होती है, अब वो सेटिंग क्या होती है आपको दोस्तों क्या करना है आपको मैं बताऊंगा, बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा आपको क्या करना है। अब यहाँ पे आपको सेटिंग में जाना है, मोबाइल की सेटिंग में जाओगे, मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको सीधे चले जाना है ऐप मैनेजमेंट में, ठीक है। कहाँ जाना है, ऐप मैनेजमेंट में, आपके फ़ोन में ऐप भी हो सकता है, एप्लीकेशन भी हो सकता है, उस पर आपको टैप करना है। यहाँ पर आपको मैनेज ऐप भी मिल सकता है या ऐप लिस्ट मिलेगा, ऐप लिस्ट पर क्लिक कर देना, ठीक है, इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे समझना है आपको, जैसे यहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे आ गया एयरटेल एक्सट्रीम, यहाँ पे कोई भी ऐप है इस पर क्लिक करना है, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे आपको इसमें क्या करना है, स्टोरेज यूज पे क्लिक करना है इस तरीके से, यहाँ क्लियर चेस करना है, बस क्लियर चेस करना है, ठीक है, यहाँ पे क्लियर चेस करना है इस तरीके से। आप जो भी एप्लीकेशन फालतू के चलाते हैं, ज़्यादा चलाते हैं, ठीक है, उन्हें स्टोरेज यूज पे क्लिक करके उसका क्लियर चेस करना है, ठीक है, ये सब करेंगे यहाँ से इस तरीके से। अब नेक्स्ट आपको क्या और करना है, वो स्टोरेज फाइल मैनेजर पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पे आपको फोन स्टोरेज मिलेगा। अगर आप रियलमी का फोन यूज करते हैं तो उसमें ये सेटिंग लागू हो जाएगी, और फोनों में और फोन यूज करते हैं तो वो सेटिंग यहाँ लागू नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी और सेटिंग बताऊंगा। तो फोन स्टोरेज पे इस तरीके से क्लिक करेंगे, या ऐप्स मिलेगा, ऐप्स से क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ पे गूगल प्ले सर्विस से क्लिक करेंगे, किसी पर भी इस तरीके से क्लिक करेंगे और यहाँ क्लियर चेस आपको कर देना, ठीक है, क्या करना है इस तरीके से, क्लियर चेस करना है इस तरीके से। जो भी एप्लीकेशन आप ज़्यादा यूज करते हैं उन्हें आपको क्लियर चेस करना है, ठीक है। इससे होता क्या है, आपकी जो रैम भर जाती है ऐप वाली वो यहाँ से खाली हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट तरीका मैं बताऊंगा आपको। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं ये तरीका आपको बता चुका हूँ, नेक्स्ट तरीका क्या है, आपको सिंपल से अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके ऑन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको प्ले स्टोर में जाके करना है, फिर भी नहीं हो रहा है तो क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है इस तरीके से। प्ले स्टोर में जाओगे, अब यहाँ पे आपको व्हाट्सअप सर्च कर रहे हो, फिर भी नहीं हो रहा है तो क्या करना है आपको, ठीक है, यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करोगे, यहाँ सेटिंग पे क्लिक करना है, सेटिंग पे क्लिक करोगे यहाँ पे लिखा होगा प्ले स्टोर वर्जन, इस पर आपको टैप करना है, ठीक है। यहाँ पे ये गूगल प्ले स्टोर इस अप टू डेट ऑप्शन आ जाएगा, गोइट पे क्लिक करना है, ठीक है, ये नहीं आ रहा है तो प्ले स्टोर पे 3 से 4 बार आपको क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इस तरीके से बाहर निकलना है। बाहर निकलने के बाद आपको अपने प्ले स्टोर पर लॉन्ग प्रेस करके रखना, दबा के ऐप इन्फो पर क्लिक करना है, ठीक, इस तरीके से। इससे आपको फोर्स स्टॉप करना है, फोर्स स्टॉप इस तरीके से लगा देना है, स्टोर यूज़ पे क्लिक करना है इस तरीके से, मैंने कर दिया, क्लियर चेस करना है, उसके बाद क्लियर डाटा कर देना है, ठीक है, इस तरीके से ये सब करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना है, परमिशन पे क्लिक करना है। परमिशन पे जैसे क्लिक करेंगे कॉन्टैक्ट की आपको परमिशन देनी होगी, लोकेशन की परमिशन देनी होगी इस तरीके से। ये परमिशन देने के बाद इस तरीके से आपको यहाँ से बाहर निकलना होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, आपको कहीं नहीं है, प्ले स्टोर को इस तरीके से ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करोगे, अब अच्छे से समझना है सेटिंग को। नेक्स्ट यहाँ पे अंतिम में बताने जा रहा हूँ आपको,
आपको, ठीक है। इस तरीके से यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करोगे, सेटिंग पे क्लिक करना है, सेटिंग पे क्लिक करोगे, ऑटो अपडेट्स ऐप पे क्लिक करना है, यहाँ डोंट पे क्लिक करके डन कर देना है। यहाँ ऑटो प्ले वीडियो पे क्लिक करोगे, प्ले स्टोर का जो डाटा है वो क्लियर हुआ है, ठीक है, वहाँ पे डिलीट भी हुआ है उसका डाटा और क्लियर भी हो चुका है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको डन कर देना है। ये काम आपको सबसे पहले करना है। नेक्स्ट आपको क्लियर लोकल सर्च हिस्ट्री पे क्लिक करना है, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद अब आपको नीचे की तरफ जाना है, तो यहाँ पे प्ले स्टोर वर्जन पे टैप करना है, ठीक है। यहाँ पे गो इट इस तरीके से आपको यहाँ पे टैप करना है। जैसे कि यहाँ से मैं बाहर निकल आया हूँ, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं फिर से प्ले स्टोर पे, तो वही नियम आपको फिर से वहीं फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि वहाँ पे थे मैं वहीं चलता हूँ, ठीक है, इस तरीके से वहीं पे चलता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये देखो सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम किस तरीके से, अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट तरीका आपको क्या बताऊँगा, आपको समझना है अच्छे से, बिल्कुल भी वीडियो को कट नहीं करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरी वीडियो अच्छे से देखनी होगी, तभी आप ये कर पाओगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको कुछ नहीं करना, आपको प्ले स्टोर में फिर से जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद अब सिंपल से जो नियम लागू होता है वो ये है कि आपको यहाँ से इन्हें इंस्टॉल करना है, फ़ोन यानी कि आपको WhatsApp को इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों आसानी से इंस्टॉल करोगे, हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और हो जाती है, यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं, माई ऐप इन गेम पे क्लिक करते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे जितने भी ऐप होते हैं पहले से अपडेटेड होते रहते हैं, उन्हें आपको रोक देना है। जैसे हमने ऐसे ये फेसबुक अपडेट हो रही है इस तरीके से, तो इसे हम इस तरीके से रोक देंगे, ठीक है, इस तरीके से आपको रोक देना होगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं अगली वीडियो लेके आपके लिए, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।